Mm-hmm. <clears throat> नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल पर और आज हम स्टडी करने वाले हैं कुछ 50 क्वेश्चन की जो कि आपकी एम पी प्री एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं रोज़ शाम को आपके लिए लाइव आ रहा हूं ताकि हम पी की जो आगामी परीक्षा है उसमें अच्छे से नंबरों को हासिल कर सकें ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहले एक बार मैं चेक कर कि क्या हम लाइव आ चुके हैं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ और अगर आप लोग लाइव हैं तो प्लीज़ आप मुझे बता दें कि क्या आप तक आवाज़ वगैरह परफेक्ट आ रही है ठीक है लाइव तो हो गए हम लोग है ना चलो तो सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत कर देता हूँ कुछ पहले आए उनका भी और जो अभी आए उनका भी ठीक है इसमें दोस्तों हम लोग जो हैं वो फिफ्टी क्वेश्चन को करने वाले हैं और मिसलिनियस होंगे ये एम प्री पर बेस्ड होंगे ठीक है जय हिंद आकाश चलिए इसी के साथ मैं आपको बताते चलूँ कि हमारी जो पेड क्लास है वो आपको यूट्यूब के अलावा यूट्यूब पर तो खैर पेड नहीं है लेकिन आ, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है ठीक है ऑनलाइन कोर्स आपको हमारी वेबसाइट पी एस अड्डा पर मिल जाएगा और बहुत ही जल्दी जो है आ, आपको एप्लीकेशन भी हमारा मिलेगा ठीक है राकेश स्वागत है देवेंद्र स्वागत है आपका चलिए इसी के साथ अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है टेलीग्राम का हमारा जो ऑफिशियल नाम है वो है पी एसी अड्डा और कोस्टक में है मंदासा एकेडमी ठीक है तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो आप यहाँ पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रोज़ नए आने वाले वीडियो का आपको यहाँ पर पता चल जाए इसी के साथ अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो यहाँ पर भी आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं और अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो यहाँ पर भी आप हमें बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो तो दोस्तों लगे हाथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा क्योंकि आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज है चौबीस फरवरी ठीक है चौबीस फरवरी है आज आज और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो वैकेंसीज़ हैं उनकी संख्या कम हुई है चाहे वो एस की बात हो चाहे वो रेलवे की बात हो है ना चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो सभी में लगभग या तो धंधिया ही चल रही हैं या फिर वो किसी को जॉब देना ही चाहते हैं बहुत सारी समस्याएं हैं और बच्चे जो हैं वो उसको लेकर बहुत त्रस्त हैं जो बच्चा 21 साल की उम्र में एसएससी की एग्ज़ाम देना शुरू करता है या फिर रेलवे की एग्ज़ाम देना शुरू करता है वो पच्चीस साल तक आता है तब तक तो उसका पहला वाला जो रिजल्ट है ना वही शो होता है ठीक है तो आज चूंकि 24 फरवरी है 25 फरवरी को 11 बजे आप लोग जरूर से अगर आप ट्विटर चलाते हैं या आप फेसबुक चलाते हैं आप इंस्टाग्राम चलाते हैं कहीं भी आप चलाते हो तो आप हैश टेग मोदी अंडर स्कोर जॉब दीजिए है ना जॉब दो ऐसा आप जरूर से लिखें ठीक है ताकि जो हम बेरोजगार हैं जिनके लिए वैकेंसी आ नहीं रही है <coughs> सरकार अमीरों के लिए बहुत सारी पॉलिसी बना रही है लेकिन जो बेचारे बच्चे मैं बेचारे ही कहूँगा क्योंकि एक अपनी पूरी जवानी लोग जो हैं वो केवल एक नौकरी के सहारे उसकी आशा में ही बिता दे रहे हैं कि हमें अच्छी नौकरी लगेगी लोग 200 नंबर ला के भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं अभी हमारे एमपी में व्यापम में इतना प्यारा घोटाला हुआ है कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता है ठीक है 196 नंबर लोग लेके आ रहे हैं 198 नंबर लेके आ रहे हैं यहाँ तक कि जो व्यापम है जिसका नाम है पी कर दिया है उसने करीबन तीन क्वेश्चन को गलत कहा है कि ये क्वेश्चन गलत हैं और जो गलत कहा उसके सही उत्तर भी उसने बताए हैं कि इसके उत्तर जो हैं ये वाले सही होंगे और इन पट्ठों ने जो 196 और 198 लाए हैं ना 196 और 198 लाए हैं इन्होंने वो उत्तर भी सही लगाए हैं तो तो ये बड़ी शर्म की बात है हमारे सिस्टम के लिए कि वो चुनाव तो टाइम पे करा लेता है चुनाव का रिजल्ट भी फटाफट दे देता है लेकिन इन्हों इन लोगों से जो देश का भविष्य है जो देश को आगे लेकर जाने वाले हैं उनके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं होता कि एक ही साल में या छः महीने में या डेढ़ साल के अंदर अंदर भी ये वैकेंसी को न सिर्फ निकालें बल्कि भर्ती एग्ज़ाम भी लें और उसे फाइनली अपॉइंटमेंट दें कि भैया आप तुम आकर जॉब करो यहाँ समस्या इस बात की नहीं कि भाई वैकेंसी कब हो रही है मेन समस्या जो है ना वो केवल यही है मेन समस्या केवल यही है कि जो भर्ती वाला सिस्टम है ना उसमें जंग लग गया है ऐसा जंग अगर इनके चुनाव वाले सिस्टम लग जाए तो पता नहीं क्या हो जाए पूरा सिस्टम ही बैठ जाए पूरा देश बैठ जाए तेरा सोचने वाली बात है ठीक है तो आप लोगों को मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर से जो है कल अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो हैश टैग मोदी जॉब दो ये ज़रूर से आप लोग चलाएं इसको आप सपोर्ट करें ठीक है सिस्टम इंसान से बनता है देशवासियों से बनता है ठीक है सिस्टम के लिए व्यक्ति नहीं होता है व्यक्तियों से सिस्टम होता है ठीक है तो आप लोग प्लीज इस मूवमेंट को सपोर्ट करिएगा ठीक है चलिए तो चूंकि हम पढ़ाई के लिए आए हैं मेनली तो तो हम पढ़ाई ही करेंगे सबसे पहले लेकिन एक जो एक जरूरी चीज थी जो एक मैसेज था आप लोगों तक देने का ये मैंने आपको दिया है ठीक है चलिए इतने में हमारे बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं मोदी रोजगार दो आकाश चौहान बिल्कुल सही है हाँ कृषि का जो पेपर हुआ है उसमें बिल्कुल धांधली ही धांधली हुई है और धांधली हो ही रही है हमारे यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई जो युवा है उनके साथ क्या खिलवाड़ ये करने का सोच रहे हैं ठीक है यहाँ पर आरक्षण तो कोई मुद्दा रहा ही नहीं है ठीक है यहाँ पर कोई जॉब मुद्दा नहीं है यहाँ पर कोई रोजगार बेरोजगारी जैसा कोई मुद्दा नहीं है देश में अगर हिंदू मुस्लिम राम मंदिर और यही चीज़ें मुद्दा बन गई हैं और इसी के सहारे जो है वो देश आगे चल रहा है और भव सागर से हम पार हो जाएंगे ऐसा माना जा रहा है ठीक है तो कृपया कर इस मूवमेंट को जरूर से आप सपोर्ट करें सरकार जागेगी जरूर से जागेगी चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है मैजिकल चार्म्स एंड के बारे में किस वेद में कहा गया है तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर है राकेश और देवेंद्र का कि डी है ना अथर्ववेद है अथर्ववेद जो है ना दोस्तों इन त्रय के अलावा है और इसको अनार्यों की प्रकृति भी कहा जाता है ठीक है किसको जो है ना अनार्य जो लोग थे उन्होंने इसको बनाया था और इसमें जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका उनका कहा जाता है कि उन्होंने भी अपना कुछ योगदान इसमें दिया था चलिए क्वेश्चन नंबर दो है व्रीही व्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है व्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है चावल गेहूं जौ कपास व्रीही शब्द किसके लिए आया है ये ऋग्वेद में प्रयोग में हुआ है चावल के लिए आया है गेहूं के लिए जौ के लिए कपास चावल गेहूं जौ या कपास आप लोगों को अगर आंसर पता है तो आप आंसर देते चलिए ठीक है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा ना लगे तो कोई बात नहीं डिसलाइक भी कर सकते हो लेकिन आप ये बताएं कि क्यों अच्छा नहीं लगा है ना चलिए तो शब्द जो है ना दोस्तों ये ऋग्वेद में वर्णित है और इसका प्रयोग चावल के लिए किया गया है ठीक है चावल के लिए चलिए क्वेश्चन नंबर तीन गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है गुलाम वंश के जो आरंभिक शासक हैं उन शासकों में से निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है ए कुतुबुद्दीन ऐबक बी इलतुतमिश सी रजिया सुल्तान या डी आराम शाह इसको आपको नंबर वाइज बताना है कि पहले ये आया फिर ये आया फिर आया ये आया इस तरीके से आपको नंबर वाइज बताना है ठीक है तो आप पहले सोच लीजिए तीसरे का क्या आपको करेक्ट लगता है देखिए यहाँ पर आंसर थर्ड का ए भी बहुत से लोगों ने दिया है महेंद्र ने भी थर्ड का ए दिया है देवेंद्र ने भी थर्ड का ए दिया है ठीक है पहले कुतुबुद्दीन ऐबक है फिर इल्तुतमिश है फिर उसके बाद रजिया सुल्तान ठीक है और देन आफ्टर आराम शाह बिल्कुल करेक्ट उत्तर है बिल्कुल करेक्ट उत्तर है ए वाला ठीक है कुतुबुद्दीन एबक 1206 में आया था ठीक है और उसके बाद आया था आपका 1210 में आपका जो है इल्तुतमिश और उसके बाद रजिया आई थी और उसके बाद आपका आराम शाह आया था ठीक है तो राइट आंसर है फर्स्ट के बाद आपका ठीक है चलिए लेकिन इसमें एक चीज़ और बता दूं कि नहीं नहीं करेक्ट है ए वाला बिल्कुल करेक्ट है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फोर भारत का वह पहला शासक कौन था वह कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था हम लोग अपने इतिहास में केवल ये तो हैं कि मोहम्मद गौरी ने हराया था लेकिन मोहम्मद गौरी को भी किसी ने हराया था कौन था सोलंकी शासक भीम सेकंड चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान गढ़वाली शासक जयचंद या इनमें से कोई नहीं चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ए सोलंकी शासक भीम द्वितीय जिसका राज था गुजरात पर ठीक है और मोहम्मद गौरी ने सीधे गुजरात पर आक्रमण किया जिसका फल उसको मिला हार के रूप में चलिए क्वेश्चन नंबर पांच वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या की गई किसने की थी स्वामी विवेकानंद दयानंद के द्वारा श्रद्धानंद के द्वारा या डॉ या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा वेदों में सच्चाई निहित है यह व्याख्या किसने की थी स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती स्वामी श्रद्धानंद या फिर हमारे सर्वपल्ली राधा कृष्ण किसने की थी बिल्कुल राइट आंसर है फिफ्थ का भी देवेंद्र शाबाश ये हैं हमारे दयानंद सरस्वती जिन्होंने कि शुद्धि आंदोलन भी चलाया था ठीक है इसी के साथ इन्होंने जो है ये भी कहा था कि भाई वेदों की ओर लौटो और इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्त्रोत है मतलब हमारे भारतीय संविधान में लगभग सेवेंटी परसेंट जो पोर्शन है वो इनमें से किस पोर्शन से हमने लिया है कौन से एक्ट से या कौन से संविधान से लिया है ए ब्रिटिश शासन अधिनियम यूएसए का बिल ऑफ राइट्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऐसा कौन सा अधिनियम है जो कि एकाकी है मतलब कि जिससे सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में हमने चीज़ों को एडॉप्ट किया है चलिए बताइए जल्दी से चलिए तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दोस्तों 1935 में जो भी बातें कही गई हैं ये सारी बातें हमने एज इट इज अपनाई हैं और हमारे संविधान का लगभग 35% परसेंट जो एरिया है वो हमने इसी से सॉरी सेवेंटी परसेंट एरिया जो है वो हमने इसी से कवर किया है चलिए क्वेश्चन नंबर सात कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य ही संशोधन किया जाना चाहिए अगर भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना है एक नया राज्य बनाना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य ही संशोधित किया जाना चाहिए किस एक को संशोधन करना चाहिए बताइए भाई जल्दी से बताइए कि अगर आपको राज्यों के नाम वगैरह कुछ बदलने हैं तो क्या करना चाहिए अगर आपको अपने राज्यों के नाम वगैरह बदलने हैं तो किस आर्टिकल में आपको कहना चाहिए मतलब कौन सी अनुसूची में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है पहली अनुसूची दूसरी अनुसूची तीसरी अनुसूची या फिर पांचवी अनुसूची किसमें करेंगे तो राइट आंसर आ गया है सात का ए आकाश बिल्कुल सही उत्तर है देवेंद्र ने भी सही उत्तर दिया है शाबाश चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आठ निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं निम्नलिखित में से किस धारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं पेरू की जलधारा कैलिफोर्निया की जलधारा अलिनो की जलधारा या गल्फ स्ट्रीम की जलधारा निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं पेरू, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्नियानो या फिर गल्फ स्ट्रीम

कि वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जलवाष्प क्या स्थायी तत्व है बताइए जी जल्दी से चलिए तो इसका राइट आंसर है वो है जलवाष्प ठीक है जलवाष्प की मात्रा में कोई ज्यादा खास परिवर्तन नहीं आता है लेकिन यहां पर देखेंगे तो नाइट्रोजन जो है वो 72 टू परसेंट सेवेंटी है कल भी पूछा था हमने ट्वेंटी परसेंट का राउंड ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट के आसपास है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर दस भारत की सबसे अधिक नवगम्य दो नदियां हैं मतलब जिनमें नाव चल सकती हो ऐसी नदियां हैं कौन सी कावेरी और गोदावरी गंगा और ब्रह्मपुत्रा गंगा और सिंधु या ब्रह्मपुत्र और यमुना कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जिनमें नाव चल सकती हैं अगर आप सिंधु सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं आप यमुना सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं यमुना में आएंगे दिल्ली में बैठ जाएंगे है ना कावेरी और गोदावरी नहीं 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 कावेरी में हाँ कावेरी में जरूर पानी रहता है आपका दस महीने पानी जो है कावेरी में रहता है क्योंकि इसमें दो मानसूनों का पानी आता है ठीक है लेकिन ये भी सही उत्तर नहीं है तो राइट आंसर कौन सा होगा तो इसका होगा आपका गंगा और ब्रह्मपुत्रा ये दो ऐसी नदियां हैं जहां पर वाटरवेज बनाए जा रहे हैं क्या बनाए जा रहे हैं वाटर वेज बनाए जा रहे हैं ठीक है तो बी इज़ द राइट आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं मैनग्रोव कहते हैं शोला वन कहते हैं मानसूनी वन कहते हैं या पतझड़ वाले वन कहते हैं आज आपको इसमें है ना पी वाला पूरा जो सिस्टम है वो नज़र आने वाला है ठीक है चलिए क्या कहेंगे दलदली जो वन होंगे उनको हम क्या कहेंगे जल्दी से कमेंट करिए बताइए आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं ठीक है ग्यारह का आया है ए बिल्कुल राइट आंसर है मैनग्रोव क्या कहते हैं मैनग्रोव कहते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर बारह अब मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ना क्वेश्चन आंसर बताता हूँ सीधे ठीक है चलो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है ऑप्शन है केरल जम्मू कश्मीर उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश तो दोस्तों फूलों की घाटी जो है ना ये उत्तराखंड में स्थित है कोई पूछे साइलेंट वैली कहाँ है तो साइलेंट वैली है आपकी के, आ, केरल में साइलेंट वैली केरल में है और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है चलिए क्वेश्चन नंबर तेरह भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है ऑप्शन है केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश या फिर असम दोस्तों राइट right आंसर है इसका केरल केरल का जो मालावार तट है केरल का जो मालावार तट है वो मालावार तट में सबसे ज़्यादा मात्रा में थोरियम पाया जाता है चलिए क्वेश्चन नंबर बारह है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है जंगल का आदमी प्रकृति प्रेमी आदमी पवित्र आदमी या फिर आम आदमी दोस्तों बिरहोर का जो शाब्दिक मतलब होता है वो होता है जंगल का आदमी जो जनजाति होती ना जनजाति उसके लिए प्रयोग में किया लिया जाता है बिरहोर शब्द चलिए क्वेश्चन नंबर पंद्रह निम्न क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है जहां पर टोडा जनजाति निवास करती है साउथ में एक टोडा बेटा है टोडा बेटा ये साउथ में नीलगिरी की सबसे बड़ी चोटी है नीलगिरी जो पर्वत है ना उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है टोडा बेटा और टोडा बेटा जो है ना ये एक जनजाति भी है याद रखना जनजाति भी है साउथ में ठीक है तो इस टोडा बेटा जनजाति के नाम पर ही टोडा बेटा पड़ा हुआ है इस टोडा जनजाति के नाम पर टोडा बेटा पर्वत श्रेणी का नाम है और यह है आपकी नीलगिरी में कहाँ पर है नीलगिरी में चलिए क्वेश्चन नंबर सोलह है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है गोरखपुर जो है ना वो है आपका यूपी में यूपी में आता है नेपाल के साथ ये सीमा लगाता है गोरखपुर में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये गोरखपुर में है ठीक है और एक किस नदी के किनारे पर है तो ये राप्ती नदी के किनारे पर है कहाँ पर है राप्ती नदी के किनारे पर है चलिए क्वेश्चन नंबर सत्रह है कि नाइनटीन में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था ये कल एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और अभी सरकार उसका उसका डी नेशनलाइजेशन करना चाहती है ऑप्शन हैं पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों राइट उत्तर होगा इसका सी है ना इसका एक जुलाई एक जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण हुआ था भारतीय स्टेट बैंक का तो ये ऑलरेडी पहले ही कर दिया गया था ठीक right है तो राइट आंसर है सी चलिए क्वेश्चन नंबर अट्ठारह है कि कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है दोस्तों आज के टाइम पर चीन है जो दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कर रहा है चलिए क्वेश्चन नंबर उन्तीस उन्नीस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख पहरी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख पहरी ठीक है तो ये होता है आपका डब्ल्यू टी यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना एक जनवरी नाइनटीन नाइन्टी फाइव को हुई थी ठीक है आई एम एफ जो है ना ये मुद्रा का होता है ये मुद्रा संबंधी जितनी भी चीज़ें होती है उसको देखता है आई बी आई डी जो है ना इसको विश्व बैंक बोला जाता है ठीक है और आई एफ सी जो है ना इसकी स्थापना नाइनटीन सिक्सटी सेवन में हुई थी और इसका मेन काम है कि किसी देश की जो कंपनीज वगैरह होती है ना उनको लोन देना कंपनीज वगैरह को लोन देने का काम करती है इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर बीस है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हमने आजादी के बाद 1947 के, के बाद किया था और ये ईयर था आपका 1948 भारत में पहली बार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया था चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है कथक में इनमें से कौन है ठीक है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ट्वेंटी वन का वो है आपका ए गोपी कृष्णा गोपी कृष्णा जो है ये कथक से जुड़ी हुई है ठीक है और एक बात और कि किस राज्य का नृत्य है किस राज्य का नृत्य है मुझे कमेंट करके आप बताएंगे कि, कि कथक किस राज्य का नृत्य है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू एक टेबल पंखे को बंद कमरे में अगर हम चलाएंगे चलाने पर तो कमरे की हवा क्या होगी गर्म होगी ठंडी होगी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या उपरोक्त में से कोई नहीं एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा गर्म होगी ठंडी होगी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या उपरोक्त में से कोई नहीं चलिए मजा आ रहा होगा क्वेश्चन एकदम तो खेच के निकाले हैं ठीक है चलिए तो इसका राइट right आंसर है वो है गर्म होगा ठीक है क्योंकि एयर जो है ना वो उसी कमरे में घूमती रहेगी और हमने देखा है कि एयर जब घूमती है तो क्या होती है गर्म हो जाती है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री एल सी डी का फुल फॉर्म क्या होता है एल सी डी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए जी कमेंट करके एल सी डी का फुल फॉर्म क्या होता है चलिए कथक वाले को उत्तर नहीं आ रहा भाई अभी तक केरल चमक रहा नहीं गलत है भाई वहां का कथक कली है कथक नहीं है है ना कथक जो है ना कथक जो है ना वो आप यकीन नहीं मानोगे लेकिन उत्तर प्रदेश का है ठीक है चलिए एल का पूरा नाम क्या है तो इसका है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले डी वाला इसका सही उत्तर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एल ठीक है चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पहली कंप्यूटर की भाषा कौन सी विकसित की गई थी पहली कंप्यूटर की भाषा इनमें से कौन सी विकसित की गई थी दोस्तों ये थी फोर्ट्रन फोर्ट्रन ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है मतलब तने का एक रूपांतरण है ऑप्शन है गाजर शकरकंद नारियल या आलू तो इसका राइट आंसर है ट्वेंटी फाइव का वो है आलू रूपांतरित तनाव होता है एग्जाम में आता भी है यहाँ क्वेश्चन चलिए ट्वेंटी सिक्स से इनमें से कौन अंतस्त्राविक ग्रंथि नहीं है एड्रिनल प्यूट्री थायराइड या यकृत दोस्तों अंतस्त्राविक ग्रंथि में कौन नहीं आता तो यकृत नहीं आता यकृत जो है ना वो एक अंग होता है ठीक है और ये तीनों जो होती है ना ये तीनों क्या होती हैं हमारे अंतस्त्रावी ग्रंथियाँ होती हैं चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है यकृत थायराइड प्यूट्री या फिर लार ग्रंथी सबसे छोटी ग्रंथी है दोस्तों ये सबसे छोटी ग्रंथि है हमारी आपकी प्यूटरी सबसे छोटी होती है लेकिन सबसे काम की होती है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट नाइनटीन फोर्टी सिक्स में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था रक्षा विदेश मामले व राष्ट्रमंडल संबंध खाद्य एवं कृषि या फिर कोई भी नहीं दोस्तों इसमें जो था वो था खाद्य एवं कृषि बाबू राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि था चलिए क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन किसने कहा था मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी किसने कहा था लाला लाजपत राय भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद या बाल गंगाधर तिलक किसने कही थी ये बात तो दोस्तों ये कही थी लाला लाजपत राय ने लाला लाजपत राय पर नाइनटीन में लाहौर में जो है डंडे बरसाए गए थे और इन्हीं डंडे बरसाने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन का विरोध किया था इन्होंने क्वेश्चन थर्टी हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है बलूचिस्तान में म्यांमार में नेपाल में या थाईलैंड में राइट आंसर म्यानमार जब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो एक ये वाला भाग है ना इधर यहाँ पर आपको मिशी वगैरह है है ना यहाँ पर नागालैंड मिजो वगैरह है यहाँ पर आपका खासी गारो जयंतिया और यहाँ पर हिमालय से फिर आगे की तरफ जो भाग जाता है इसी को हम बोलते हैं अराकान युमा ठीक है और ये जाता है आपका म्यांमार में ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर वन अब वन क्यों क्योंकि मैंने कहा था कि एमपी के मैं ट्वेंटी क्वेश्चन लेकर आऊँगा एम के ट्वेंटी क्वेश्चन है और ये एम के शिक्षा वाले उससे हैं टॉपिक से हैं ठीक है, है तो फर्स्ट है कि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट अट्ठारह उन्नीस के अनुसार मध्य प्रदेश में महाविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों इसकी कुल संख्या है पाँच ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर दो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षकों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन की संख्या प्रारंभ किया गया मतलब कौन सा ऐसा है जो कि शिक्षकों की अटेंडेंस वगैरह को मैनेज करता है तो ये है आपका दूसरा एम शिक्षा मित्र शिक्षकों के लिए है एम शिक्षा मित्र ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री मध्य प्रदेश के किस स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय विकसित यानी कि स्थापित किया गया है खंडवा में महितपुर में महू में या मानपुर में राइट right आंसर है महू ठीक है महू में इनका जन्म भी हुआ था ठीक है महू में इनका जन्म भी हुआ था चलिए चौथा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर नवीन कृषि महाविद्यालय खोला गया है अभी नया लेटेस्ट खुला है कहाँ पर खुला है तो इसका राइट right आंसर है गंजवा सौदा गंजवा सौदा अच्छा मुझे कमेंट करके बताओ कि गंजवा सौदा है ना ये कहाँ है मतलब कि किस जिले में है गंजवा सौदा के ज़िले में है चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आई की स्थापना की गई है भोपाल ग्वालियर इंदौर या जबलपुर मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है भोपाल में की गई है ग्वालियर में की गई है इंदौर में की गई है या फिर जबलपुर में की गई है कहां पर की गई है मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की स्थापना की गई है भोपाल ग्वालियर इंदौर या जबलपुर कल से काम करेंगे यहाँ पर है ना एक दस सेकंड वाला एक क्लॉक लगा दूंगा मैं ठीक है तो उसमें मैं आपको पूरे दस मिनट दूंगा पढ़ने के लिए और उसके बाद आपको उत्तर देने के लिए ठीक है तो हम फटाफट जल्दी भी हो जाएगा ठीक है हाँ गंजवा सौदा विदिशा में शाबाश आकाश सही है गंजवा सौदा विदिशा में है चलिए तो राइट आंसर है इसका इंदौर आईआईटी इंदौर इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर आईआईटी भी है और आईआईएम भी है दोनों है यहाँ पर ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर छः निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम दो मध्य प्रदेश में किस तिथि से लागू हुआ निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मध्य प्रदेश में किस तिथि से लागू हुआ था एक नवंबर 2009, एक जनवरी 2010, एक अप्रैल 2010, या फिर एक नवंबर 2010। आकाश किस क्वेश्चन का गलत है मुझे एक बार बताइएगा है ना अच्छा ये वाला ना ठीक है ठीक है मैं इसको एक बार करेक्ट कर लूँगा हो सकता है उसमें ऑप्शन गलत आया होगा टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी तो इसे मैं एक बार करेक्ट करवा दूंगा ठीक है और इसको मैं कल आपको बता भी दूंगा करेक्ट करके कल आपको बता भी दूंगा ठीक है डोंट वरी चलिए तो छठे नंबर का क्वेश्चन क्या होगा सिक्स का तो यह है एक अप्रैल 2010 निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हज़ार मध्य प्रदेश में ये एक अप्रैल 2010 से लागू हुआ था चलिए क्वेश्चन नंबर दस है साथ है कि देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र जल्दी से कमेंट करिए मैं थोड़ा वेट भी करता हूँ है ना चलिए उत्तर आपने दे लिया होगा बिल्कुल सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश ठीक है मध्य प्रदेश में बौद्ध विश्वविद्यालय खुल रहा है कहाँ पर तो यह है सांची में कहाँ पर सांची में चलिए क्वेश्चन नंबर आठ महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है ओरछा चा, छतरपुर टीकमगढ़ या फिर सतना ओरछा चा, छतरपुर टीकमगढ़ या फिर सतना कहां पर किया गया है चलिए लगे हाथ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एमपी गवर्नमेंट ने अभी बढ़ते हुए कोरोना को कोरोना के केसेस को देखते हुए ठीक है जो तो कोरोना है उसके केसेस को देखते हुए ये फैसला लिया है कि 25 फरवरी से 25 फरवरी 2021 से सभी थाना क्षेत्रों पर जितने भी थाना हैं उन सभी क्षेत्रों पर मास्क चेक किए जाएंगे ठीक है अभी अभी नई खबर आई है कि भैया मास्क चेक किए जाएंगे ठीक है और मास्क न पहनने की एवज में दस घंटे का याद रखें दस घंटे का कारावास भी होगा अस्थाई कारावास ठीक है हालांकि कारावास ही पुष्टि में नहीं करता कि कंफर्म है लेकिन ऐसा है कि आपको फाइन भी देना पड़ सकता है और कारावास भी हो सकता है दस घंटे का अगर आप ऐसा कुछ करते हुए पाए गए तब तो कल नौ बजे से ये मेगा चेकिंग अभियान एम पुलिस स्टार्ट करेगी तो भैया आप सभी से निवेदन है कि मास्क पहनिए कोरोना को बढ़ने से रोकिए और हमारे देश समाज और राज्य सबकी रक्षा आपके कंधों पर है उसे आप करिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर तो इसका राइट आंसर है छतरपुर ठीक है राजा छत्रसाल जो है ये छतरपुर एरिया के शासक थे सेवनटीन सेंचुरी के टाइम पर और यहीं पर इनके नाम पर ही स्थापित किया गया है चलिए क्वेश्चन नंबर नौ वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं केंद्र के तो दो हैं राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं अठारह चौबीस इक्कीस पंद्रह अट्ठारह चौबीस इक्कीस पंद्रह कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं जी ठीक है इसका राइट आंसर है ट्वेंटी फोर चौबीस विश्वविद्यालय हैं कितने विश्वविद्यालय हैं चौबीस विश्वविद्यालय ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर दस माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई 1988 जनवरी 1991, फरवरी 1991 या फिर 1993 माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई उन्नीस सौ या जनवरी उन्नीस में या फिर उन्नीस में चलिए तो इसका राइट right आंसर है वो है जनवरी उन्नीस जनवरी उन्नीस में ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 11 मध्य प्रदेश के इस शहर में दंत चिकित्सा महाविद्यालय है मध्य प्रदेश के इस शहर में दंत चिकित्सा महाविद्यालय है इंदौर भोपाल ग्वालियर या जबलपुर मध्य प्रदेश के इस शहर में दंत चिकित्सा महाविद्यालय है इंदौर में है भोपाल में है ग्वालियर में है या फिर जबलपुर में है कहां है चलिए राइट आंसर है ग्यारह का ए वाला चेतना बिल्कुल करेक्ट उत्तर है धीरेन्द्र करेक्ट उत्तर है स्मृति आकाश का गलत हो गया स्मृति का सही है इंदौर में है चलिए क्वेश्चन नंबर बारह मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ पर है पशु चिकित्सालय महाविद्यालय मतलब पशु चिकित्सा का महाविद्यालय कहाँ है इंदौर में है रतलाम में है महू में है या पीलूखेड़ी में है कहाँ पर है चलिए जी क्या लगता है बारह का सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है महू है ना वेटरनी कॉलेज कहाँ पर है तो ये महू में है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर तेरह राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित है ऑप्शन खंडवा बुरहानपुर मंदसौर या इनमें से कोई नहीं राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित है जल्दी से कमेंट आना चाहिए चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करिए आप लोग बहुत धीमे धीमे चल रहे हो फटाफट से कमेंट करेंगे मैं आपके कमेंट्स भी देख रहा हूँ लगे हार चलिए तो जो राइट आंसर है वो है बुरहानपुर ठीक है कहाँ पर है बुरहानपुर में राइट आंसर है तेरा का बी तेरा का बी दिया है धीरेंद्र ने स्मृति ने आकाश ने और आशुतोष ने चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने विदेशी विश्वविद्यालय के साथ अध्ययन वायान्यात अनुसंधान के लिए सहमति दी है मतलब कि विदेशी अनुसंधान के लिए कोई सहमति पत्र हासिल करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है तो जे एन के वी वी या डी ए वी वी दुर्गावती या फिर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने विदेशी विश्वविद्यालय के साथ अध्ययन के लिए अनुसंधान के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है जे एन के वी वी डी डी ए, -ए वी वी दुर्गावती या हरि सिंह गौर क्या लगता है आपको बी बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल करेक्ट पर ये पर ये ऐसा लिखते तो ज़्यादा सही लगता तेरह का बी ठीक है धीरेन्द्र करेक्ट उत्तर है चलिए क्वेश्चन फिफ्टीन मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर या फिर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर या फिर एस एन मेडिकल कॉलेज रीवा क्या लगता है जल्दी जल्दी कमेंट ठीक है फटाफट फड़ उत्तर फटाफट फड़ उत्तर दीजिए चलिए तो इसका राइट आंसर है फिफ्टीन का वो है ए ठीक है गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर वाला जो है ना ये सबसे पुराना है शाबाश चलिए क्वेश्चन नंबर सोलह मध्य प्रदेश में राजा भोज खुला विश्वविद्यालय कहाँ है, है? मध्य प्रदेश में राजा भोज खुला विश्वविद्यालय कहाँ है, है? ग्वालियर उज्जैन इंदौर या भोपाल ग्वालियर उज्जैन इंदौर भोपाल ग्वालियर में है उज्जैन में है इंदौर में है या फिर भोपाल में है बिल्कुल सही बिल्कुल सही भोपाल इज द राइट आंसर भोपाल में है चलिए क्वेश्चन नंबर सत्रह मध्य प्रदेश के निम्न शिक्षण संस्थानों को उनके स्थापना स्थान से मिलान कीजिए ए महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय अब आपको देखो मिलाना है कि क्या ये ए वाला सही है बी वाला सी वाला है डी वाला या फिर राष्ट्रीय विधि संस्थान इनमें से कहाँ है महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ है या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है आपको मिलान करना है ठीक है चलिए जल्दी से मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं क्वेश्चन पढ़ के समझ लीजिए बिल्कुल 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 सी वाला सी वाला कह रहे हैं क्या एक बार फिर से देख लो मैं फिर से आपको कह रहा हूं किरण ने ए दिया है इसके बाद देवेंद्र ने सी दिया है आकाश ने भी ए दिया है भैया इसमें ज़्यादा नहीं एक का पता कर लो सब मिल जाएंगे जैसे डॉक्टर डा, बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ है तो ये महू में है ठीक है तो यहाँ पर आपको सीधे मिल जाएगा फोर्थ का ए ठीक है ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं तो फोर्थ का ए मिला कि आपका उत्तर हो जाएगा ये वाला ठीक है, है ये बी है आपका ये ए है ये बी है ये सी है और ये डी है ठीक है तो राइट आंसर होगा बी ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 18 मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के संबंध में असत्य कथन को छाटिए मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के संबंध में असत्य कथन को छाटना है ए समाज कार्य महाविद्यालय इंदौर में है जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय है या प्रदेश के तीन विश्वविद्यालय 1984 में स्थापित किए गए थे यह सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं क्या लगता है मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के संबंध में असत्य कथन को आपको छाटना है गलत क्या है सामाजिक कार्य महाविद्यालय इंदौर में है जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय है या प्रदेश के तीन विश्वविद्यालय जो हैं वो 1984 में स्थापित किए गए थे क्या लगता है जल्दी से उत्तर दीजिए थोड़ा सोचिए और बहुत ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये मजा आ गया इस क्वेश्चन को देख के इसमें एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा करेक्शन करवा देता हूँ है ना 84 फोर में की जगह इसको आप कर लेंगे नाइनटीन सिक्सटी फोर ठीक है अब ये उत्तर बिल्कुल सही है मतलब क्वेश्चन सही है है ना एट्टी फोर की जगह आप कर लेंगे सिक्सटी फोर फोर में तो कोई ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ भी नहीं था है ना हाँ किरण महात्मा गांधी जी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना ये ये वाला है तो यहाँ पर जब मैंने डी का ए वाला बताया है तो यहाँ से आपका डी ऑटोमेटिक आ जाएगा राष्ट्रीय विधि संस्थान कहाँ है तो विधि संस्थान आपका भोपाल में है और महर्षि महेश योगी जो है वो है आपका बी तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा है ना तीसरे का बी दूसरे का सी पहले का डी तो ये वाला उत्तर आपका करेक्ट होगा ठीक है और 18 का जो राइट उत्तर है वो है डी वाला उपरोक्त में से सभी है ना इसमें टाइपिंग मिस्टेक थी वो मैंने आपको दूर कर दी 164 होगा मतलब 1964 होगा और दोस्तों 1964 में जो है आपके तीन विश्वविद्यालय बने थे जिसमें एक था डी ए वी वी डी वी वी बना था तो इसके बाद आपका जीवाजी बना था और इसके बाद आपका जे एन के वी वी ये बना था ये तीन विश्वविद्यालय बने थे नाइन्टीन सिक्सटी फोर में टोटल उत्तर आपका हो गया डी वाला करेक्ट चलिए क्वेश्चन नंबर उन्नीस है मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई थी पापू की स्थापना कब की गई थी 1966, 68, 70 और 72 टू हाँ किरण ऑप्शन जो है ना वो आगे पीछे हो गए थे पीपीटी के अंदर इसलिए आपको दिक्कत आई होगी ठीक है बाकी उसमें दिया हुआ है चलिए पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब हुई तो इसका राइट आंसर है बी 1968 में हुई थी और और जो भी एम बोर्ड से पढ़ाई करता है उसने पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें तो पढ़ी होंगी है ना चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है पचासवा मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी पचासवा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थर्टी क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं और बीस क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं एम के एड कर ही रहा हूँ ठीक है तो उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब की थी 1969 में 1971 में 1973 में नाइनटीन सेवनटी में कब की गई थी सोचिए विचारिए जल्दी से उत्तर दीजिए चलिए राइट आंसर है 1973 1973 सेवेंटी थ्री इज द राइट आंसर ठीक है तो भैया ये थे ये था हमारा आज का पूरा वीडियो जिसमें हमने देखे पूरे पचास क्वेश्चन और ये पचास क्वेश्चन में हमने एम के ट्वेंटी क्वेश्चन देखे और बाकी सब मिला के देखे हमने तीस क्वेश्चन तो ओवरऑल हमने को इतने क्वेश्चन देखे फिफ्टी क्वेश्चन देखे हैं ठीक है थीके? तो फिफ्टी क्वेश्चन की ये दौड़ जो है आज समाप्त होती है यहीं पर बाकी पढ़ेंगे हम कल मिलेंगे आठ बजे कल पूरे आठ बजे आने की कोशिश करेंगे आज चूँकि हम साढ़े आठ बजे आ गए थे तो कल हम आठ बजे आ ही जाएंगे एनी हाउ इसी टाइम पर हम लोग मिलेंगे ठीक है चलो एक और बात कल है पच्चीस फरवरी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कर रही हैं अपनी मनमानी है ना दोनों ही अपनी मनमानी कर रही हैं और जॉब्स जो है वो बच्चों को दे ही नहीं रही हैं ठीक है थीके? आप ये नहीं कह सकते कि भैया सरकार की जिम्मेदारी नहीं है नौकरियों को देने की तो जब नहीं है तो भाई सरकार ही हम सरकार की नीति के अनुसार क्यों पढ़ाई करें हमें अपने अनुसार पढ़ाई करने देना चाहिए हम अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को देखें कि हमें क्या करना है इन फ्यूचर में जब सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो हमें पढ़ाने का अधिकार या हम उसके अनुसार पढ़ें ये भी तो कहीं तक जायज़ नहीं है ना ठीक है तो सरकार के दिए हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें लिखें डिग्री लें सब लें और फिर भी हमें कहीं नौकरी न मिलती हो या हम उस लायक नहीं हो पाते कि हमें कोई नौकरी दे तो भैया ये कहीं ना कहीं सरकार की ही कमी है हमारी नहीं है हमने तो बहुत सारा पैसा उस पर लगाया अपना समय लगाया आधा जीवन तो हम पढ़ाई पढ़ाई के चक्कर में ही निकाल दे रहे हैं अभी लगभग ये मानिए कि पच्चीस साल की उम्र तक तो हम केवल पढ़ाई कर रहे हैं और बदले में मिल रही है कागज की डिग्री जिसमें समोसा रख के खा लो तो अभी कोई फर्क नहीं पड़े तो 25 फरवरी है इस दिन आप जरूर से लिखेंगे मोदी रोजगार दो है ना रोजगार की जगह पे जॉब दे दिया ठीक है जॉब दो अभी एक नया है मोदी जॉब दो ये नया है इसको आपको ट्वीट करना है हैशटैग जॉब मोदी जॉब डो इस तरह से हम मोदी जी से जॉब क्यों मांग रहे हैं बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि सर आप क्यों उनसे जॉब मांग रहे हो उनसे नहीं मांगना चाहिए आपको तो भैया उन्होंने कहा था दो हजार चौदह के टाइम पर कि हम हर साल दो करोड़ रोजगार का सृजन करेंगे ठीक है दो करोड़ रोजगार का सृजन करेंगे तो भैया जाहिर सी बात है जो वादा किया वो निभाना तो पड़ेगा ना तो आपने वादा किया है निभाइए जरूरी है ठीक है तो ये कैंपेन होना चाहिए क्योंकि तो अगर युवा अपना हक़ नहीं मांगेगा तो भैया कौन मांगेगा उन्होंने कहा था रजत शर्मा शर्मा की जो एक आज जनता की अदालत अदालत है उसमें भी कहा था कि अगर जनता को और ख़ासकर उन्होंने मेंशन किया था कि 18 से 28 साल के जो लोग हैं क्या उन्हें नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए उन्होंने दो तीन बार पूछा था चाहिए कि नहीं चाहिए सब ने कहा हमको चाहिए तो आप देखो कि इनको आए हुए सात साल हो गए अगर कोई व्यक्ति उस समय अट्ठारह साल का था और सात साल अभी हो गए यानी कि वो पच्चीस साल का हो गया है ठीक है तो जाहिर सी बात है नौकरी तो चाहिए ठीक है तो प्लीज़ आप इस कैंपेन का हिस्सा बने ट्विटर पर फेसबुक पर या जहाँ कहीं भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो तो ज़रूर से आप नाक में थोड़ा सा दम तो करिए ही ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मिलेंगे कल शाम को आठ बजे क्या करेंगे तो पचास धमाकेदार क्वेश्चन देखेंगे जो हमें एम पी पी एस सी में काम आएंगे अभी तो एम पी पी एस सी जो दो हज़ार उन्नीस वाली है उस पर भी तलवार लटकी हुई है क्योंकि तो एम और सरकार दोनों ही कोर्ट में ये नहीं कह रही है क्या नहीं कह रही है वो ये नहीं कह रही है कि भैया हमने आरक्षण 113 परसेंट क्यों दिया ये अभी तक नहीं बता पा रही है तो पता नहीं ये क्या चल रहा है क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मालूम नहीं है ठीक है पूरी तरीके से राजशाही है लोकतंत्र शाही तो चली गई है राजा की इच्छा हो रही है तो वो जनता को अपनी तरफ से तो बात कह रहा है जनता की तरफ से बात सुन ही नहीं रहा वन वे कम्युनिकेशन ओके देन कल आप इसको जरूर से करेंगे आशा करता हूं इस बार